हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने अपना व्लॉग इवनिंग से ही स्टार्ट कर दिया है, नाइट तक। तो बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है आप लोगों को। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे का, और मैं बना रही हूँ अपने लिए एक कप चाय। तो बेटू तो पीता नहीं है, इसीलिए मुझे एक कप ही चाय बनाना होती है, और ना बनाऊँ तो सिर भारी भारी हो जाता है। इसलिए ये मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक कप चाय रख रही हूँ अपने लिए, और फिर है ना अपना सब्जी बनाऊंगी। आज सब्जी बनाना है मुझे कटहर, तो कटहर की भी रेसिपी बताऊंगी आप लोगों को कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी ही झटपट बन जाने वाली ही रेसिपी, और जो कि मेरे को मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे कटहर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज मैं वही बना रही हूँ, और सबसे पहले यहाँ पर चाय बन रही है। इतनी देर में मैं अपने बर्तन लगा लेती हूँ, क्योंकि जब तक ये डला रखा रहता है ना बर्तनों का, तो वो लगता है भरा भरा सा बहुत ज़्यादा किचन मेरा। अब मैं इनको लगा देती हूँ ना बर्तनों को, तो फिर उसके बाद खाली खाली हो जाती है, फिर अच्छी लगने लगती है। देखिए एकदम से कितनी खाली लगने लगी वो एक डले से हटने से ही। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, मैं अब अपने लिए चाय निकालूंगी, और दूध भी रखा हुआ है फ्रिज में, दूध गर्म करूंगी। और यहाँ पे ये सुबह का रखा था थोड़ा सा दूध, तो मैं बेटू के लिए गर्म कर रही हूँ भगोनी में, क्योंकि मैंने फ्रिज में से ही निकाला था, उसको भी तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा हो रहा था। तो उसके लिए मैं गुनगुना कर रही हूँ, और बॉर्नविटा डालकर उसको दूध दे दूँगी और मैं चाय पीऊँगी। तो ये मेरा इवनिंग का रूटीन था, मतलब इवनिंग का टाइम था। तो शाम में मैं झाड़ू वाड़ू तो लगा ली थी, तो किचन से ही मैंने स्टार्ट किया। और मौसम इतना अच्छा है ना कि बहुत ही ज़्यादा मौसम अच्छा हो रहा है। अभी तो गर्मी का महीना चल रहा है, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी सी है, और बहुत काफ़ी अच्छा मौसम है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम है, ठंडा है या गर्मी है। तो यहाँ पे मैं फ्रिज में से दूध निकाल आई हूँ, और इसको भी मैं गर्म करने रख दूँगी। शाम के टाइम पे आया था दूध, लेकिन गर्म मैं अब कर रही हूँ, 3-4 बजे के टाइम पे आया था, लेकिन मैंने फ्रिज में रख दिया था, अब कर रही हूँ मैं गर्म। तो यहाँ पे मैंने प्राइम फैन रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। अब मैं बेटू को वो दे के आऊँगी, लेकिन यहाँ पे मैं लौट कर इसलिए आई क्योंकि मैं बॉर्नविटा डालना भूल गई थी उसके लिए, और बिना बॉर्नविटे का दूध वो नहीं पीता है। तो बस इसीलिए उसको बॉर्नविटा डालकर ले जाऊँगी मैं, तो जिससे वो पी लेगा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है आप लोगों को। तो बस यहाँ पे देखिए खिड़की की तरफ बैठकर मैं पी रही हूँ चाय के मज़े ले रही हूँ। किस किस को पीना है आ जाइए। ये तो यहाँ पे मैं खिड़की में से देख रही थी, मौसम इतना अच्छा हो रहा था और इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, तो बस इस वजह से मैं वहाँ बैठी हुई थी। तो अब कटहर वगैरह मैंने कट कर लिया है, और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कटहर की रेसिपी। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल डाला है कढ़ाई में, और ऑयल डालने के बाद ऑयल गर्म हो गया, तो उसके बाद मैंने अपना कटहर डाल दिया है। अब मैं कटहर को बिल्कुल तल तल के रेड कर लूँगी। देखिए आप लोग कटोरे में वाइट था पहले, लेकिन तल तल के मैंने उसको बिल्कुल रेड कर दिया, जैसे कुरकुरा होता है ना उस टाइप का। और यहाँ पे मैं अपना मसाला तैयार करूँगी, प्याज लहसुन है, और यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले डालूँगी इसके अंदर, और ग्राइंडर में इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लूँगी, पीस लूँगी। प्याज लहसुन काली मिर्चें 2-3 लौंगे और एक बड़ी इलायची, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं इसको पीस लूँगी, और थोड़ा सा अपना कटहर तल गया था, थोड़ा सा और रह गया है। मैंने 2 बार में कटहर को तला है, 500 ग्राम मेरा कटहर था। तो इसको बिल्कुल इस तरीके से तल लेती हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे कुरकुरा सा हो जाता ना कि अपन बिना सब्जी के भी इस तरीके से इसको खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ऐसे भी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से तल जाता है अंदर तक, बीजा तक मुलायम हो जाता है, और फिर है ना सब्जी बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि तलने में ही वो इतना गल जाता है ना कि सब्जी बनाते टाइम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऑयल कम लग रहा था, कटहर को निकाल लिया है, और अपन मसाला भूंजेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है। ऑयल को गर्म हो जाने के बाद मैंने 2 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर। अब जो ये मसाला है इसमें मैं सूखे मसाले डालूंगी, ये धनिया पाउडर, पिसी मिर्ची पाउडर, और हल्दी पाउडर, और नमक।
तो बस नमक तो जो सब्जी है उसी के हिसाब से मैं अपना नमक मिर्ची डालूंगी। और यहाँ पे जो मैंने दो तेज पत्ते डाले हैं बस इसके अंदर कढ़ाई में तेल डाल के, और ये सारा मसाला इसे मैंने छोड़ दिया है। अब मसाले को अच्छे से भुन जाने देंगे। मैंने सब्जी को रख दिया है अपनी मद्दी वाली गैस पे, जिससे वो आराम से मद्दी मद्दी आंच में बनती रहेगी। और है ना, यहाँ पे मैंने मसाला भुन गया है बहुत अच्छे से। तो मसाले को भुन जाने के बाद मैंने इसमें कटहर डाल दिया है, जो भी अपना तला हुआ जितना भी रखा हुआ था कटहर, वो सारा कटहर मैंने भुने हुए मसाले में डाल दिया था। बहुत अच्छे से मसाला भूनना चाहिए इसमें, नहीं तो कच्चा कच्चापन अलग ही लगता है। जब तक मेरे मसाले ने तेल नहीं छोड़ दिया था, जब तक मैं उसको वो मसाले को भूनती रही मद्दी मद्दी आँच में, तो यहाँ पे मैंने अपने कटहर को सारे कटहर को डाल दिया है कढ़ाई में। और इसमें डाल दिया है मैंने आधा डोंगा पानी, जिससे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा पानी। वैसे इसमें जरा भी नहीं रहेगा, बिल्कुल सूखा बनेगा मसाले में लिपड़मा, लेकिन जो मैंने पानी डाला है ना वो सूख जाएगा, उसी में बन जाएगा। तो एक तरफ बना रही हूँ मैं अपनी ही रोटियाँ, तो मैं हाल ही बना लेती हूँ क्योंकि रोटी हाल बन जाती है और फिर हस्बैंड आ जाते हैं ना, तभी बनाती हूँ मैं खाना, गरम गरम हो जाता है, इसलिए ये बना के रख दो पहले से ही, तो फिर ठंडा हो जाता है, फिर दोबारा से गर्म करो तो फिर वो स्वाद नहीं आता है, इस वजह से मैं पहले से ही बना के रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी का फाइनल लुक फाइनली बन गई है, कटहर की सब्ज़ी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में ही, जरा भी जो मैंने आधा लौंगा पानी डाला था ना, वो सारा पानी सूख गया है, बिल्कुल भुजमा टाइप की बनी है। तो बस रोटी मेरी बन गई थी, अब मैं निकाल रही हूँ खाना। हाँ, तो यहाँ पे आम रखा हुआ था, तो मैंने खाने के साथ में ही एक आम भी कट कर लिया है, क्योंकि बेटू तो बहुत ज़्यादा शौकीन है आम खाने का, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, कह रहा मम्मा आम भी काट लो, मैं आम भी खाऊंगा खाने के साथ में। तो यहाँ पे मैंने आम भी काट लिया है, और खीरा भी काटा था, तो उसमें मैंने नमक डाल दिया था, थोड़ा सा भुरक दिया था। तो बस खाना खाने के लिए अब जा रहे हैं हम लोग। और नींबू काट लिया है मैंने आधा,